प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, मैं आपको बताने जा रहे हैं कि संविधान में, भारतीय संविधान में सभी राज्यों की कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है और कुल कितनी भाषाएं हैं और इसमें अंग्रेजी का क्या लेवल है, इसमें मान्य है कि नहीं है, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टर्मिनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहिए हमारे साथ। तो दे देते हैं हम आपको आगे की जानकारी, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय संविधान में भाषाओं की स्थिति है। तो प्यारे दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान में भाषाओं की क्या स्थिति है, उसके बारे में बताएंगे हम आपको। भारतीय संविधान और भाषाओं में क्या सिस्टम है, जो 1950 में भारतीय संविधान में संविधान की स्थापना के समय में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या थी 14। 1950 में जब संविधान की स्थापना हुई थी, उस टाइम भाषा जो संविधान में थी 14 थी। आठवीं अनुसूची में तदुपरांत जोड़ी गई, आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये आठवीं अनुसूची में जोड़ी गई थी भाषाएँ। बाद में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 234, पहचान योग्य जो मातृभाषाएं हैं 234 मातृभाषाएं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा है, शास्त्रीय भाषा जो पहली भाषा बनी थी वो है तमिल, तमिल भाषा जो शास्त्रीय सबसे पहली भाषा बनी थी। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएं हैं संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़ीसा, ये है शास्त्रीय भाषाएं। संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया, इसमें हिंदी सम्मिलित नहीं है, ना ही अंग्रेजी। नागालैंड की राजभाषा है अंग्रेजी। प्यारे दोस्तों, नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। जम्मू और कश्मीर की राजभाषा है उर्दू। जम्मू और कश्मीर की राजभाषा क्या है? उर्दू। गोवा की राजभाषा है कोंकणी। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। हाई कोर्ट की जो भाषा है कौन सी सर? इंग्लिश, अंग्रेजी। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं हैं जयश्री और महल। जयश्री द्वीप भाषा है और जयश्री और महल लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं हैं। सामान्यतः पांडिचेरी पूर्व में बोली जाने वाली भाषा है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा जो है पांडिचेरी पूर्व में बोली जाती है। फिर चलते हैं सर आगे। पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भाषा है तेलुगु, जो पूर्व की इतालवी भाषा के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ संस्कृत राजभाषा में के रूप में मान्य है, उत्तराखंड में जो एकमात्र राज्य है जहाँ पे संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएँ। अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है। जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें से अंग्रेजी का नाम नहीं है, लेकिन नागालैंड और भारतीय कोटा की जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी। ठीक है सर। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22 और पहली शास्त्रीय भाषा है तमिल। ओके सर, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। और इसी ही जानकारी के साथ हम और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना न